दोस्तों, बोर्ड एग्जाम से एक महीना पहले क्लास 10th के बच्चों का टर्म 2 बोर्ड एग्जाम के लिए क्या टाइम टेबल होना चाहिए, आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन करें और वीडियो को भी से लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, हफ्ते के 4 दिन आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपका स्कूल अब बंद हो चुका होगा, छुट्टियाँ पड़ गई होंगी, तो सुबह 10 बजे से 12 बजे 2 घंटा आप मैथ्स करिए, फिर उसके बाद खाना खाइए, आराम करिए, उसके बाद फिर 2 बजे से 4 बजे दोपहर के 2 घंटे आप साइंस पढ़ने के लिए बैठ जाइए, उसके बाद फिर 2 घंटा का मैंने रेस्ट दे दिया है, उसके बाद फिर शाम को 6 से 8 बजे आप सोशल साइंस लेकर बैठ जाइए। 4 हफ्ते में 4 दिन आप ये पढ़ेंगे, बच गए हफ्ते के 2 दिन थर्सडे और सैटरडे को। उस टाइम आप क्या करेंगे, देखिए समय वही रहेगा, सुबह के 10 से दोपहर के 12 बजे तक इस बार आप इंग्लिश पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 2 घंटे का मैंने गैप दे दिया है, 2 बजे से सुबह दोपहर के 4 बजे तक आप हिंदी, संस्कृत या कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है वो आप कर लेंगे। उसके बाद 1 घंटा मैंने कम कर दिया है इस बार, 7 से 8, सिर्फ 1 घंटा आप मैथ्स करेंगे, साइंस करेंगे या कोई भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो आपको लगता है। और रही बात संडे की, दोस्तों आपको संडे को भी पढ़ना पड़ेगा, एक ही महीना रह गया है, इसमें आप कम से कम 1 सैंपल पर ज़रूर कीजिए किसी भी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। बस दोस्तों इतना कर लीजिए, आप एग्जाम में अच्छा कर जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।